माइक्रोस्कोपिक क्लोजर फॉर गायनेकोमास्टिया सर्जरी, स्कारलेस, की होल, ब्लडलेस, पेनलेस सर्जरी में माइक्रोस्कोपिक क्लोजर किस तरीके से किया जाता है वो मैं फर्स्ट टाइम आपको दिखा रहा हूँ। ये जो लूप होता है, मैग्निफिकेशन लूप होता है, उसके अंदर भी हम लोग जॉनसन एंड जॉनसन जो बेस्ट से बेस्ट कंपनी होता है उसके सूचर यूज करते हैं। कई बार वो भी लो क्वालिटी के यूज करो तो इन्फेक्शन के या सीरोमा के चांसेस होते हैं। आप देख सकते हो कि पफी निपल में इतना सारा कंटेंट निकला है, दो बूंद भी खून का नहीं निकला, और इस तरीके से हमने क्लोजर किया है, माइक्रोस्कोपिक क्लोजर। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, ये स्कार कभी दिखता भी नहीं है, और आप 3 या 4 घंटे में घर जा सकते हो, कोई फॉलोअप की जरूरत नहीं है। तो वो मैं लाइव दिखा रहा था कि किस तरीके से हम माइक्रोस्कोपिक क्लोजर करते हैं गायनेकोमास्टिया क्लोजर के लिए। थैंक यू सो मच।